In this section, I'll explain another important concept which is derived from the concept of capital asset pricing model, CAPM, and that is the security market line. So, when you draw the, the equation which we have just discussed that explained the equilibrium level of the expected return on a certain security, you can get the value of, you can get the security market line. So, firstly, we need to understand what is meant by the security market line. So, security market line basically is an investment evaluation tool which is derived from the concept of CAPM, Capital Asset Pricing Model. Or, Capital Asset Pricing Model, We discussed now in detail that risk-return relationship for स्पेसिफिक सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करती है जब हम मार्केट में से कोई एक चीज कोई एक सिक्योरिटी को या ओवरऑल मार्केट के किसी इंडेक्स को एज अ बेंचमार्क लेते हैं उसके तनाजुर में आपने देखना होता है कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिटर्न और रिस्क का क्या हिसाब है और हमें कितने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एड राइट तो इसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को अकाउंट फॉर करते हैं एक्सेस मार्केट रिटर्न को अकाउंट फॉर करते हैं एक्सेस रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी को अकाउंट फॉर करते हैं और इसी चीज को जब हम इक्वेशन को जो को हम प्लॉट करेंगे तो द लाइन विच यू विल गेट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी मार्केट लाइन नाउ इफ वी लुक एट द फैक्टर्स ऑन विच द सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिपेंड्स तो इसमें हम दो चीजों को अकाउंट फॉर करना होता है द फर्स्ट वन इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी का आपको पता है कि इफ़ आई एम सेपरेटिंग फ्रॉम माई मनी फॉर अ सर्टन टाइम मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ और मैं अपने पैसे को फिल फॉर खर्च नहीं कर रही तो जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मैंने अभी खर्च करने से डिराइव करनी है मैं उसको पोस्टपोन कर रही हूँ सपोज इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी फॉर वन ईयर और टू ईयर्स तो अभी क्या हो रहा है आई एम सेपरेटिंग माई मनी आई एम सेपरेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम द मनी विच आई हैव मेरा मनी है उसको मैं एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं उससे दूर होने जा रही हूँ उसको मैं इमीजिएटली खर्च नहीं करना चाह रही उस सेटिसफैक्शन को जो मुझे अभी इसको खर्च करने से मिलेगी उस सेटिसफैक्शन को कंपनसेट करने के वास्ते मुझे कुछ रिटर्न चाहिए एंड दैट रिटर्न विल बी इक्वेटेड टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी उस पर्टिकुलर रिटर्न को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं कि मैं एक साल या दो साल अपने मनी से बिछड़ने के लिए कितना पैसा उसके कंपनसेशन में लेने वाली हूँ एंड दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने काउंट फॉर करना होता है जब हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन को डिसाइड डिस्कस करें या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द रिस्क प्रीमियम कि आप अगेन रिस्क ले रहे हो एक तो आप पैसे से बिछड़ रहे हो उसका आपको फायदा होना होना लेना चाहते हो आप कुछ जिसको हम टाइम वैल्यू मनी बोल रहे हैं और दूसरा आपने पैसे से बिछड़ रहे हैं और फिर रिस्क ले रहे हैं तो उसका रिस्क प्रीमियम तो ये दोनों चीजें हम अकाउंट फॉर करते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन की को डिफाइन करने के वास्ते नाउ इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दिस इज द मैरियर ऑफ रिस्क एंड दिस इज द एक्सेस मार्केट रिटर्न एंड इफ वी टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग तो हम इसको जब हम plot करते हैं market से data लेके excess market return का information लिया आपने आपको रिस्क फ्री रिटर्न पता चल गई आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी एक सर्टन सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट करने से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न हासिल करेंगे वो वैल्यूज को काउंट फॉर करेंगे यू विल बी एबल टू एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन if इफ यू प्लॉट यू विल गेट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन सो दिस लाइन एक्सप्लेन द इकिब्रियम इन द कैपिटल एलो कैपिटल एलोकेशन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और उसी को अगर हम प्लॉट कर देते हैं तो आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिफाइन होती हुई देखने को मिलती है नाउ आई एम गो टू सी शो यू द ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपने डिफरेंट वैल्यूज लिए जैसे अभी मैंने अभी आपको बोला आपको टोटल तीन वैल्यूज चाहिए आपको डेटा चाहिए मार्केट मार्केट uh, कोई भी मार्केट uh, की ओवरऑल मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एज अ बेंच आप उसकी uh, के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड लेंगे इंडेक्स लेंगे जैसे हम अभी पाकिस्तान में एनालिसिस करेंगे अगर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को इस्तेमाल करेंगे तो हम की 100 ले सकते हैं कि इंडेक्स की वैल्यूज ले सकते हैं आपने वो लिया दैट वुड गिव यू द वैल्यू फॉर आर एम और इसी तरह से हम कोई पीपिल की वैल्यूज ले लेते हैं रिटर्न उस पर क्या मिलेगा ट्राइबल सिक्सटी मंथ सिक्सटी डेज का थर्टी डेज का स्टेट बैंक उसका डेटा कोट करता है रोजाना की बेसिस के ऊपर आप वेबसाइट खोल के देख सकते हैं तो वहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी आपने मार्केट रिटर्न मार्केट रिटर्न्स कैलकुलेट करनी है रिस्क फ्री रिटर्न्स कैलकुलेट करनी है उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आपके पास एक्सेस मार्केट रिटर्न आ जाएगी एक्सेस मार्केट रिटर्न को ले या आपने एक सर्टन कोई भी आप सिक्योरिटी उठा सकते हैं उसकी बेसिस उसकी रिटर्न को कैलकुलेट किया वहाँ उसको फिर रिस्क फ्री रिटर्न से सब्टैक्ट किया आपके पास एक्सेस रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी आ जाएगी उस इन दोनों वैल्यूज की मदद से आप लाइन को एस्टिमेट करेंगे यू विल कम अप विद अ सिक्योरिटी मार्केट लाइन वो अभी मैंने यहाँ ड्रॉ की है अभी इसका जो स्लोप है इसको इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है किसी सर्टन डेटा के साथ में इंटरसेप्ट इसका जीरो है आपने देखा यहाँ हमारे पास इक्वेशन में यू कैन सी इस इक्वेशन में हमारे पास इंटरसेप्ट का टर्म नहीं है ये स्लोप की वैल्यू डिफाइन हुई हुई है और एक्सेस मार्केट रिटर्न डिफाइन हुआ हुआ है सो इट स अगर आपके पास यहाँ इंटरसेप्ट का टर्म नहीं है इसका मतलब है हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है और इस वजह से आप देख सकते हो हमारा जो एस है वो जीरो से पास कर रहा है। तो दिस इज आवर एस एम एल ज्यादा होगा तो आपका बीटा यानी कि स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी इन दैट केस इट विल बी समथिंग लाइक दिस पास होगी ऑरिजन से ही लेकिन बड़ा स्लोप का मतलब होता है ज्यादा स्टीप है वो और ज्यादा स्लोप है तो इसका मतलब है कि ज्यादा रिस्क रिस्की एसेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं सो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस इट कुड बी समथिंग लाइक दिस इसको मैं ए बोल रही हूँ इसको मैं बी बोल रही हूँ ए बता रही है किसी भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी का मार्केट लाइन सपोज फॉर ए बट वी कैन से दैट इफ यू लुक एट द स्लोप्स दे आर डिफरेंट बी हैज अ ग्रेटर स्लोप ए हैज अरे लेसर स्लोप विच मीन्स दैट बी इज बी जो सिक्योरिटी को अकाउंट फॉर को रिप्रजेंट करिए जिस सिक्योरिटी को बी सिक्योरिटी मार्केट लाइन उसमें वो ज़्यादा रिस्की है का मतलब है उसका बीटा हायर है का मतलब है उसका स्लोप स्टीप है एज कम्पेयर टू दिस वन सो सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज डिराइव फ्रॉम द फॉमूला द एकलेब्रियम जिसको हमने इकलेब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफाइन किया था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को एक्सप्लेन uh, करने के वास्ते या उसको इक्वेशन uh, के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए नाउ इफ एनी सिक्योरिटी इज नॉट ऑन एस एम एल वट ड सपोज जो हमारा सपोज हमने ये जे पॉइंट की बात करें तो अगर हम किसी भी सिक्योरिटी की हमने वैल्यूज ली रिस्क की रिस्क प्रीमियम की बीटा की वैल्यूज और हमारे पास वैल्यू आई ये सपोज इस पॉइंट के ऊपर जे की तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रही है दैट इज नॉट ऑप्टिमल वो बहुत ज्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क के लिए हायर है कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट एम लेकिन जो आपको अभी रिस्क प्रीमियम मिल रहा है इस सर्टन लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर दैट इज लोअर तो दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल पॉइंट तो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी पॉइंट आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन से नीचे है तो आप के लिए वो इनएफिशिएंट पॉइंट कहलाएगा और दैट इज ऑफरिंग टू लो एक्सपेक्टेड रिटर्न नाउ इसी तरह से एंड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑन विच द कैपेम इज़ बेस्ड के हम कह रहे हैं कि वहाँ रैशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको कैपेम एक्सप्लेन करता है और वो उनके पास मार्केट के काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन uh, मौजूद है उसके बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं और दे ऑलवेज गो फॉर द एफिशिएंट कॉम्बिनेशन और इफ़ दे गो फॉर जे तो दैट वुड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज टू लो इसलिए दे वुड नॉट गो फॉर जे दे विल ओनली गो फॉर द कॉम्बिनेशन दैट फॉल ऑन द सिक्योरिटी मार्केट लाइन विच वी अवे अभी हमने जो डिस्कस किया था